पाकिस्तान के कुछ इलाकों को आप लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं आप लोग? पंजाब अक्सर, लाहौर, सरगोधा, गुजराने वाला इस साइड, सिंध क्या होता है। गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं, हम जा रहे हैं तो बस वगैरह हम लोगों से चला गया है। अब लोग हम लोग फंस गए हैं, देखो यकीन जानो, ये देखो हम लोग फंस गए। देखो मास बेचारा, कसम से बस नहीं मिल रहा। ये तो मैंने अभी मैं छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ, लेकिन दरअसल बात ये कि इन पहाड़ों में हमसे बस चला गया है। देखो कितनी ग्रीनरी है। हाँ गाइस, लगता नहीं है, देखो इस पहाड़ों में हम कहाँ जाएंगे, आप खुद बताओ। हाँ गाइस, अभी हम लोग आ गए, बस हमसे गुम हो गया, वो कह रहे हैं डैम जाना है। अब डैम का कुछ पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये पहाड़ है, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो ज़ियारत का व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कुछ हमारे हाजी वगैरह हैं वो लगे हुए हैं सेब को पैकिंग के लिए, जो पूरे पाकिस्तान को इम्पोर्ट की जाती है, सॉरी एक्सपोर्ट की जाती है, तो यहाँ से किया जाता है। मैं तो नहीं उतर सकता, खैर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको सिखा दिखा गाइस। यहाँ पर मामा आ सकता हूँ ना, क्लाइस समझलते हैं रास 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 दर्जी लाड बस यार मामा गांस लशीन गाइस। तो नहीं नहीं खुरी नहीं खुरी। अच्छा गाइस, तो अभी हम लोग आ रहे हैं मास, आप कैसे फील कर रहे हैं ये बताओ। अतावला बहुत अच्छा फील रहा हो रहा है। तो ये हमारे खास स्पेशली गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो इनके साथ मैं हूँ ना, वो काफ़ी दोस्त वाले चले गए जो हमारे साथ आ रहे थे गाइस। वाह, एक बार मैं ये पहाड़ दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। वाह, ये सर्द के पहाड़ है। तो यहाँ पर हम अभी एक बार आ गए। अस्सलाम वालेकुम काका जान, स्टड बस साल खई जोड़े पर खैर से अमन दिया फजल था चाल खनमुख बा उर्दू के पुख्तों ने सरबुक छोड़ दादी मुख खाल उर्दू पुख्तों ने पूगे था सिंह खा खरा। सो मामा आप लोग क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या मामा आपका? इरफानुल्लाह साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मतलब अच्छा बराई करें, मतलब इसको पैकिंग करें। अच्छा, तो यहाँ पर सेबू की पैकिंग आप लोग करें, तो ये मतलब पाकिस्तान के कुछ इलाकों को आप लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं आप लोग? पंजाब अक्सर, लाहौर, सरगोधा, गुजराने वाला इस साइड, सिंध क्या होता है? सिंध नहीं। अच्छा, ये पूरे बलुस्तान में सबसे जो अच्छे सेब है वो कौन से इलाके के? ज़ियारत का टॉप। गाइस तो अभी बता दिया ना कि ज़ियारत इस टाइम टॉप है सेब के हवाले से। तो यहाँ पर मामा, एक बार मामा आप अपना शक्ल दिखा दे थोड़ा सा। वाह गाइस, ये दूसरा मामा बैठा हुआ है यहाँ पर, जवान भी बैठा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा खास सिमुन से पके। अच्छा गाइस, गाइस ये यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है, तो आप ज़ियारत में जब भी आएंगे, ये कौन सा डैम की तरफ रास्ता जाता है? ये रास्ता कौन किस तरफ जाता है? संडेमन, जब संडेमन जाओगे ना तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर पैकिंग हमेशा देखोगे। और यहाँ पर मामा आपको कम बीटी, आप खुद सोचो, अब लाहौर में जाएगा ये सिर्फ 200 किलो होगा, यहाँ पर आपको मामा वगैरह 30 किलो भी देंगे, 30 रुपये का भी देंगे आपके खातिर के लिए, जब आप लोग यहाँ पर आए होंगे। आप जब भी ज़ियारत विज़िट करेंगे तो आप यहाँ पर लाजमी आए, वहाँ पर ये सारे सेब के बागात आप देख सकते हैं। और सेब पक चुके हैं नहीं पक चुके हैं, इतना बता दें, पक चुका है मामा? पक चुका है मामा, ये देख सकते हैं गाइस, ये सारे सेब हैं गाइस। यहाँ पर ये जवान भी है माशाल्लाह बैठा हुआ है, तो गाइस